नमस्कार 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 दोस्तों, इस समय मुझे कॉल आया, ये कॉल आया कासरवाड़ी में और एक सूचना मिली हमको मोबाइल के जरिए कि एक सांप को देखा है। तो अभी मौके पर हम लोग पहुंचने के बाद पता चलेगा कौन सा सांप है, सांप मिलता भी है या नहीं मिलता, ये तो मौके पर जाने के बाद पता चलेगा। तो वीडियो में जो बने रही है काय ना करू, 2 मिनिट थांबत येणार, काय खांदू नका म्हणा त्यांना, जाईल पळून तो, 5 मिनिट थांबा। तो नमस्कार दोस्तों, इस समय फिर मुझे कॉल आया और ये कॉल आया है पिंपले गुरु से कासरवाड़ी करके एरिया है, जहाँ पे एक शायद कोई टी स्टॉल है शायद यहाँ पे, तो उसके पास में एक सांप को देखा गया है। तो जिन्होंने हमको कॉल करके सूचना दी है, किन्होंने कॉल किया था मुझे? सर आपका नाम क्या? अक्षय लांडगे। ये तो उन्होंने मुझे कॉल करके सूचना दी कि एक सांप को देखा है, तो फिलहाल यहाँ पे दिक्कत काफी है जगह की, तो हम लोग पहले देखते हैं सांप कौन सा मिलता है और उसके बाद निकल कर जो है इसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। चेकड़े क्या? तो दोस्तों हमारे सामना हुआ है चेकड़ किलबैक, सबसे खतरनाक इसकी बाइट होती है। अब ये छोड़ेगा नहीं जल्दी, ये पानी वाला सांप, इसके अंदर जहर नहीं होता लेकिन ये काटता बहुत है। ना है ना पिछले ना, ये देखिए कैसे किस तरह बार बार काटता है ये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बाइट लेने में काफी खतरनाक सांप है ये और उसकी बाइट काफी पावरफुल होती है, किसी को पकड़ लेता तो छोड़ता नहीं, उसके दांत भी टूट के अंदर जो है गड़ जाते हैं, आप देख सकते हैं उसका उदाहरण है। तो सांपों को आपको पकड़ना नहीं है, सर्प मित्र को कॉल करना है क्योंकि सर्प मित्र उसको जो है सही तरीके से पकड़ लेता, क्योंकि हमको पता है जहरीला है या नहीं जहरीला, अगर इसने काट लिया तो क्या करना है या क्या नहीं करना। तो फिलहाल हमारा जो सामना हुआ है चेकर्ड किलबैक से हुआ है, काफी खतरनाक इसकी बाइट होती है लेकिन इसके अंदर जहर बिल्कुल नहीं होता, ये पानी वाला सांप है और इसको हम लोग पानी में नदी के किनारे पे इसको पानी में छोड़ देंगे ताकि ये अपनी जो है जिंदगी गुजार सके। और एक बार सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि इसके ऊपर जिन्होंने नजर बना के रखी और इसको मारने की कोशिश की नहीं, क्योंकि हमको सांपों को मारना नहीं है क्योंकि ये पर्यावरण का एक हिस्सा है जो मेंढक छिपकली गिरगिट चूहे खा के एक इकोसिस्टम को बैलेंस बना के रखता है। तो इसी तरह इसके ऊपर नजर बना के रखो और इसको जाते थे हम लोग अभी पानी में नदी में इसको छोड़ देंगे।
मला काय चावा जिल्हा बेकार सा व्हायचा हे बघा दुसरं कुठं काय म्हणलं अजून ठेलेले केलं कोई गुस्सा वाला रहता है कोई ये रहता है ये कैसा ये बहुत बेकार का कितनी होगा इधर ही इधर मैं दिखा देता हूं स्टिक स्टिक थामी दाखो जरा स्टिक वो कहां है तुमचा अंदाज का ये देखो ए बंटा स्टिक घे ना तंज तुम्हारा दिखते हैं हलवा था खाली नहीं 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 पानी 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 ते कपड़ा पड़ा तड़ी इधर ये नहीं मार सीढ़ी है हाँ हाँ पोता भाई अब तो जब पड़ ले ना आते 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 तड़ी पा अरे ना तो दोस्तों आपने देखा किस तरह की अभी हमने जो सांप पकड़ा चेकर्ड किलबैक उसको सही सलामत हमने रेस्क्यू कर लिया लेकिन यहाँ पे और एक सांप को देखा गया है जो आपको यह गड्ढा दिखाता हूँ मैं इसके अंदर एक पानी है और पानी के अंदर एक सांप को देखा गया है तो कोशिश करेंगे पहले मोटर से पानी को बाहर निकाल के उसके बाद सांप कौन सा पहले वो देखेंगे शायद मेरा अंदाजा है कि यहाँ पे भी चेकर्ड किल बैग है शायद बड़े साइज का है लेकिन जब तक उसको हम लोग क्लियर देखते नहीं तब तक हमको पता चलेगा नहीं तो हम लोग पूरे तैयारी में और फिलहाल पानी निकालने का जो एक काम है ये अभी इसकी शुरुआत हमने अभी की है दूसरी मोटर आता है दोन नंबर च बटन वरती पिन लावली ना ते आतमध्ये जागा नाही हे मला वाटतं दगड आहे सगळे माती देतो पडते एक चेकड़ 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 कोणत्या जातीचा आहे तोच आहे का नरमादी काय बोर्ड वाटत अरे
तो दोस्तों दूसरा भी जो हमको मिला है उसको हम लोग अंग्रेजी में चेकर्ड कील बैग के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र में दिवड़, हिंदी में पानी वाला सांप, दिवड़ या विरोड़ा महाराष्ट्र में इसको बोला जाता है। यह हमेशा पानी के अंदर ही रहता है सांप, कभी कभार ये बाहर खाने के लिए कुछ आता है। मेंढक और मछली इसका मन पसंद कर, लेकिन ये काटता बहुत है। पिछली वीडियो में आपने देखा, पिछली जो हमने जो सांप पकड़ा कितने जोर से उसने बाइट लिया था, तो ये काटना इसकी फितरत है। ये देखिए ये काटने का उतावला रहता है हमेशा। ये बहुत फाड़ के रख देता है, दोस्तों आप देख सकते हो इसकी बाइट कितनी खतरनाक है, और इसको हम लोग खींच नहीं सकते, प्रॉब्लम ये रहता है, ये छोड़ेगा नहीं, ये छोड़ता नहीं जल्दी, दिक्कत वही होती है इसकी। आताला गच्छ पकड़ना सोडत नाही तो। सना हो दाबायचं असेल तर मग तिनेच पकडलं असत ना, दात तुटणार ना, त्यासाठी त्याला नाही करू शकत दात बिर काढून काढते का ते ये कैसा रहता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दांत रहते हैं उसके, अगेंस्ट अगेंस्ट दांत रहते हैं उसकी, पकड़ के अगेंस्ट के ले जिद्दी है। दोस्तों देखा कि किस तरह दोनों चकट गिल बैल को जो हम लोगों ने पकड़ लिया, और हम लोग उसको जो पानी वाला सांप है इसके लिए हम लोग उसको पानी में छोड़ने के लिए आए, तो हम लोग नदी पे उसको छोड़ने के लिए आए। ओके तो दोस्तों इसको हम लोग जल्दी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे छोड़ देंगे, ये पानी वाला इसलिए इसको पानी में छोड़ेंगे। आइए मेरे को इस चकट गिल बैल को हमने हमारे घर के पास से 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है इसको रेस्क्यू किया था, काफ़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी, और आप देख सकते हो ये जो है हमारे घर के पास में जो नदी है, तो ये नदी का हिस्सा आप देख सकते हो, तो ये पानी वाला सांप है, इसके लिए हम लोग इसको पानी में छोड़ेंगे, इसको नदी में छोड़ेंगे। ये देखिए पूरा नदी है चारों तरफ, तो अभी न देर करते हुए हम लोग इनको इनके नेचर में फिर से छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी सर्प मित्रों का यही काम है कि जो सांप जिस वातावरण में जो है ढलता है, पलता है, बढ़ता है, उसको उसी वातावरण में जो हम लोग उसको मुक्त करते हैं। तो ये फिलहाल जो है पानी वाला है, और ये दोनों के दोनों जो चिकट कील बैग है इसको हम लोग जो सही सलामत यहाँ पे पानी में आपको छोड़ देंगे, आपको दिखाता हूँ मैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारा ये काम और हमारी इस मेहनत को आप पसंद करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम ये जो मेहनत करते हैं तो ये हम आपके लिए करते हैं, ताकि आपको इसके बारे में सही पता चल सके, सही जानकारी मिल सके। तो बस जितना हो सके लाइक नहीं किया तो भी चलेगा, आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से बहुत लोग जो है इससे जागरूक होंगे, उनका डर दूर होगा,
और ऐसे बेजुबान प्राणी जो है ऐसे हमेशा जो है वो बच जाएंगे। तो यही हमारा काम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहो, स्वस्थ रहो, चौकन्ने रहो, अच्छे काम करते रहो, प्यार दो, प्यार लो, मोहब्बत बांटो। धन्यवाद।